सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है, जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, तो मैंने एक फेक काउंसलर से रिगार्डिंग अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था 2 दिन पहले कि आपको कहीं भी इधर उधर पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक केस सामने भी आया, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ केस भी हो गया। एक जना था, वो ऐसी काउंसलिंग करते थे बहुत ज्यादा, और फिर पता लगा कि फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट से आईआईटी के अंदर जाके बैठे, पता नहीं ऐसा कुछ तो सीन है। और एग्जैक्ट सीन भी आधे से ज्यादा मुझे पता लग चुका है, और लाइक 2 साल पहले हमारी ही क्रेडिबिलिटी पे शक किया गया था उन्हीं की तरफ से कि आप उनसे काउंसलिंग करवाओ जो अच्छे कॉलेज में बैठे हैं। भाई जहां भी बैठे हैं खुद की मेहनत से बैठे हैं, ठीक है। फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, फेक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा के नहीं बैठे, और जिस कॉलेज में बैठे उस कॉलेज में रिजर्वेशन चलता भी नहीं है, सीधी बात, ठीक है। जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से ही फाइट मार के आगे आए हैं। मेन्स में जो रैंक थी सही बताइए, एडवांस में जितनी थी सही बताइए, सारी परसेंटाइल रैंक, कम से कम झूठ तो नहीं बोला, दुनिया का पागल तो नहीं बनाया कि हम आई में बैठे हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे और लाखों रुपए लूट के दुनिया से कम 20-20 लाख की गाड़ियां तो नहीं लेके आए, फोन लाए, गाड़ी लाए, खुद की मेहनत से लेके, खुद की मेहनत की कमाई से लेके आए, कम से कम झूठ तो नहीं बोला। तो देख लो, मैं आप सभी बच्चों को बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं, ट्रस्ट अ क्रेडिबल सोर्स, ये बहुत बड़ी लर्निंग है सारे पेरेंट्स के लिए और सारे एस्पिरेंट्स के लिए। कहीं भी इधर उधर आप पैसे मत दीजिए काउंसलिंग के लिए। 1500 रुपए, 2000 रुपए चार्ज किए भाई उन्होंने, 2000 रुपए, और 2 साल से बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, 1 साल 2 साल जो भी टाइम है। और आज जाके पता चला है कि वो खुद एक IITian स्टूडेंट थे फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बेसिस पे। मतलब आप बच्चों के लिए फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा के उनको भी IIT, और ना जाने कितने बच्चों को फेक पीडब्ल्यूडी बनवा के IIT पे पहुंचा दिया हो, भाई कोई अता पता ही नहीं है किसी का। तो मतलब आप देख लो कि आपको इन लोगों से बचना है। हम जो भी कराते हैं एकदम जेन्युइन कराते हैं, जो हमारे साथ लोग हैं एकदम जेन्युइन है। तो आप चाहे हम पे ट्रस्ट करो चाहे किसी और पे ट्रस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी क्रेडिबिलिटी एक बार देख लो कि क्या सही में वो जिधर बैठे हैं क्या वो सही में वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। और नहीं पहुंचे होंगे तो थोड़े टाइम में आ ही जाता है। देखो जैसे इनका सामने आ गया कि भाई ये लोग IIT में बस पहुंच गए थे कैसे भी करके, और अब तो भाई ये है कि अगर ऐसे लोग झूठ बोल बोल के फेक सर्टिफिकेट बनवा के IITs के अंदर पहुंच रहे हैं, तो ये तो फिर कितना गंदा एजुकेशन सिस्टम हो गया कि मतलब ऐसे तो कोई भी पहुंच सकता है, मैं भी पहुंच सकता हूं, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। ऐसे कितने लोग होंगे, और ऐसे लोगों की तो मतलब क्या ही बोले जिन्होंने सरकार को ही झूठ बोल दिया। माँ बाप, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, वो तो उनके क्या ही मैटर करेंगे जिन्होंने सरकार को ही झूठ बोल दिया कि हम PWD और सरकार ने सर्टिफिकेट भी दे दिया और वो पहुंच भी गए। अब ऐसा कुछ सीन है भाई, पता नहीं। तो बट डोंट गो विथ फेक काउंसलर्स, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपए लेंगे और आपका पैसा खराब कर देंगे और कुछ नहीं है। ट्रस्ट अ क्रेडिबल सोर्स, गो विथ अ क्रेडिबल सोर्स। अगर आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता तो डू योर ओन रिसर्च, खुद मेहनत करो, खुद रिसर्च करके अपनी काउंसलिंग करो, मैं तो ये बोलता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो हम हैं, मेरे जैसे और लोग हैं, बट गो विद अ क्रेडिबल सोर्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कि एवं किसी को भी पैसा देके उनके घर भरने की जरूरत नहीं है। बाद में पता चल रहा है कि वो लोग सरकार को पागल बना के IIT में बैठे हैं, और सरकार भी क्या फेक सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है किसी को। ये एक बहुत बड़ा केस सामने आया है, और लाइक विल रिसर्च ऑल अबाउट इट एंड देन कम विद अ प्रॉपर प्रूफ, उसके बाद हम आपसे अच्छे से मिलेंगे। तब तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकता है यार, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मतलब मेरे को तो हंसी आ रही है यार, मतलब यार क्या यार, मतलब मेरे को पता है क्या बोला था कि कोई एक बंदा प्राइवेट कॉलेज में बैठा है वो आपकी काउंसलिंग करे, और एक बंदा जो गवर्नमेंट कॉलेज में IIT में बैठा है वो आपकी काउंसलिंग करे, ये बोल के मेरे को रोका गया था 2 साल पहले। अरे जहां भी बैठा हूं खुद की मेहनत से बैठा हूं भाई, ठीक है, अच्छे से करके बैठा हूँ, चाहे बिट्स में पहुंचा हूँ, IIT भी निकाला है, अच्छी रैंक पे निकाला है, बट अच्छी ब्रांच, अपने मनपसंद की ब्रांच लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और अच्छी जगह बैठे और मेहनत से कम देश की सरकार को तो पागल नहीं बनाया। जिस आदमी ने देश की सरकार को पागल बना दिया उसके लिए बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स ये कहाँ मायने रखेंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।